चलिए, सो कल हमने सीखा कि नया एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें हमने कल किया था। प्राइमावेरा पर वापस जाते हैं और आप क्या, मैंने एक डेटाबेस ही अलग क्रिएट किया था कल वापस। ये प्रोजेक्ट बनाया था डिज़ाइन के नाम से कल। अब प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल ओ करिए, सेलेक्ट करिए, प्रोजेक्ट को ओपन पे क्लिक कर दीजिए, प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने कुछ काम किया ही नहीं था, कुछ ऐड तो किया नहीं था, जस्ट प्रोजेक्ट बनाया था। तो वापस आते हैं प्रोजेक्ट वाले पेज पर, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट के पेज पर आना है, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। जो नीचे की डिटेल्स होती हैं ये विंडो कहलाती है प्रोजेक्ट डिटेल विंडो। अगर मैं एक्टिविटी के पेज पर जाता हूँ, यहाँ भी नीचे की विंडो है, ये कहलाएगी डिटेल विंडो, बट कौन सी डिटेल विंडो? एक्टिविटी डिटेल विंडो। तो जिस टैब पर आप होते हैं उसके नीचे की विंडो डिटेल विंडो होती है, उसी टैब से रिलेटेड। जैसे एक्टिविटी पेज पर एक्टिविटी डिटेल विंडो होगी नीचे, प्रोजेक्ट पेज पर प्रोजेक्ट डिटेल विंडो होगी, रिसोर्स पेज पर रिसोर्स की डिटेल विंडो होगी, WBS के पेज पर WBS की डिटेल विंडो होगी। तो जैसे प्रोजेक्ट डिटेल विंडो का मतलब यह है, प्रोजेक्ट के पेज पर जो नीचे वाला डिटेल विंडो है ये कहलाता है प्रोजेक्ट डिटेल विंडो। प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट कर लिया है, जो पहले कभी क्रिएट किया हो, उसकी डिटेल्स आपको बाद में चेक करनी है, मॉडिफाई करनी है, वो सारा काम आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल विंडो। बात क्लियर? नाउ उसके अंदर आप देखें, सबसे पहले नीचे एक जनरल टैब है, जनरल टैब के अंदर प्रोजेक्ट का आईडी, प्रोजेक्ट का नेम लिखा है। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं आप यहीं से चेंजेस कर सकते हैं, नाम में या आईडी में ऊपर अपडेट हो जाएगा, सबसे पहली चीज़। उसके बाद नीचे की तरफ देखें, रेस्पॉन्सिबल मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर वन को आपने रेस्पॉन्सिबल बनाया था इस प्रोजेक्ट के लिए। कल को चल के आप बोलते हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर वन नहीं, इसको कोई और लीड करेगा। आप यहां से ब्राउज करेंगे, OBS की लिस्ट खुल जाएगी, जिसे भी लीड कराना है करा दीजिए। लेकिन जब आपकी OBS लिस्ट खुल रही है, आप देखिए पूरी लिस्ट नहीं आ रही है, आपने डाटा बहुत सारा यहां ऐड किया था। उसके लिए यहां डिस्प्ले में करंट लगा हुआ है, आप यहां डिस्प्ले पे क्लिक करिए, फिल्टर में जाइए, ऑल OBS एलिमेंट्स। कभी भी जब आप कोई टैब ओपन करते हैं और आपको वहाँ पूरा डाटा नज़र ना आए, आपका ध्यान हमेशा यहाँ जाना चाहिए, हेडिंग के जस्ट नीचे। अगर यहाँ कुछ भी लिखा है करंट या किसी भी स्पेसिफिक, ऑल नहीं लिखा, तो आप यहाँ क्लिक करके एक बार फिल्टर में जाके देख सकते हो। ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। हमने बोला नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर टू को असाइन करते हैं, वो रिप्लेस हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर टू, ठीक है। उसके अलावा डेट अगर चेंज करनी है, नीचे डेट्स का ऑप्शन है, यहाँ जाइए, प्रोजेक्ट प्लान्ड स्टार्ट ये रहा जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया था, मस्ट फिनिश वहाँ ब्लैंक छोड़ा था तो यहाँ ब्लैंक आया है, अगर वहाँ डेट और टाइम दिया होता यहाँ भी आ जाता। उसके बाद चलते हैं, डिफ़ॉल्ट्स टैब होता है, इस डिफ़ॉल्ट्स टैब में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैलेंडर। डिफ़ॉल्ट्स टैब में आपको पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट के पास कौन सा कैलेंडर है, या आपको कैलेंडर चेंज करना है तो आप यहां से ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो कैलेंडर चेंज करना है, जो मतलब आपको यूज़ करना है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, यहां से असाइन कर देंगे तो कैलेंडर चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आपने वही कैलेंडर यूज़ किया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्राइमावेरा के अंदर एज ए स्टैंडर्ड कैलेंडर जो वहाँ आते हैं। प्राइमावेरा के अंदर कैलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आते हैं 4 से 5 कैलेंडर, आप देख सकते हैं। अगर आप ब्राउज करें तो यहाँ आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, यही 5 कैलेंडर स्टैंडर्ड कैलेंडर बोले जाते हैं, जो प्राइमावेरा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। आपके पास सैंपल डाटा आए या ना आए, कैलेंडर के ऑप्शंस ज़रूर आते हैं, क्योंकि प्राइमावेरा में कोई भी कैलेंडर हम बिल्कुल रॉ से शुरू नहीं करते। एक कैलेंडर जो एग्जिस्ट है उसी को डुप्लीकेट करो, रीनेम करो और अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर दो। इसी तरह वहाँ का कैलेंडर प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर हमें पहले कोई कैलेंडर बनाना है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को असाइन करना है, पहले तो बनाना पड़ेगा,
हमारा यही बेसिकली टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज कैलेंडर। अब है यहाँ इंट्रोडक्शन टू कैलेंडर। हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर होता क्या है। उसे जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये बताना होगा, अगर आपने बोला कि भैया एक काम है आपका कंक्रीट का, कंक्रीटिंग वर्क है, आपने बोला ये कंक्रीटिंग वर्क 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 दिन में अगर कंप्लीट हो रहा है तो आप और डिटेल को अगर ध्यान दें, मान लीजिए इस पर एक पर्सन कोई काम कर रहा है, कोई एक इंजीनियर काम कर रहा है इसका एक्टिविटी पर। अब ये क्या 10 के 10 दिन 24 घंटे काम कर रहा है इस पर? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई एक टाइम फ्रेम होगा कि 24 घंटे में से 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे वो काम कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, वो 10 घंटे काम कर रहा है एक दिन में। अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, 10 दिन का मतलब हो जाता है 100 आवर्स वो काम कर रहा है, ठीक। कल को चल के आप वहाँ पर कोई एक कैलेंडर, एक ऐसा बंदा ऐड कर देते हैं जो केवल 5 ही घंटे काम करता है। अगर वो 5 घंटे काम करता है तो वो 10 दिन में कितना काम कर पाएगा? 50 घंटे। लेकिन काम पूरा कब होगा? जब 100 घंटे कंप्लीट होंगे। इसका मतलब ये तो 10 दिन का काम 20 दिन में करेगा, लेकिन ड्यूरेशन तो वहाँ 10 ही दिन लिखी है दोनों केस में, आवर का डिफरेंस फिर भी आ रहा है। तो ये डिटेल उसे कहाँ से पता चलेगी कि पर डे वो कितने घंटे काम कर रहा है? वो कैलेंडर से आएगी। इसलिए कैलेंडर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके प्लानिंग का, आपके रिपोर्टिंग का, आपके एग्जीक्यूशन का, एनालिसिस का। अगर आपसे कैलेंडर सही नहीं बना, प्लानिंग सही नहीं हो सकता, अपडेशन सही नहीं हो सकता, ट्रैकिंग सही नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी सही नहीं होगा। कैलेंडर गलत तो सब कुछ गलत। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। समझ आया कंसेप्ट के इंट्रोडक्शन, क्या क्यों हमें ज़रूरत है कैलेंडर की, क्या करता है कैलेंडर? अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, बात करते हैं कैलेंडर के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर के टाइप्स की बात करें, बेसिकली कैलेंडर के 3 टाइप्स होते हैं। कैलेंडर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हम बोलते हैं ग्लोबल कैलेंडर, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं रिसोर्स कैलेंडर, तीसरे टाइप को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर। ये 3 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास रिलेटेड टू कैलेंडर टाइप। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं? सबसे पहले हमें उसको समझने की ज़रूरत है। उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज को समझना ज़रूरी है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है, हमें किसी बिल्डिंग का रेनोवेशन करना है, रेनोवेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। हमारे पास कोई एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसका हमें क्या करना है जी, रेनोवेशन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड, हमें यह देखना है। हमने बोला अगर हमें किसी बिल्डिंग का रेनोवेशन करना है तो मैंने क्या किया, मैंने इस वर्क को, रेनोवेशन के वर्क को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। मैंने बोला यार एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो एक काम करते हैं, उसके एक्सटीरियर का रेनोवेशन और उसके इंटीरियर का रेनोवेशन, इस तरह 2 कैटेगरी में उसे बांट देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा ईजी हों सोचना कि क्या क्या काम करना है कैटेगरी वाइज। उसके बाद मैंने बोला यार अभी भी कैटेगरीज में प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करते हैं इस एक्सटीरियर के वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाता है हमारे पास लैंडस्केपिंग वर्क और दूसरा काम हमारे पास हो जाता है पेंटिंग का वर्क, पेंटिंग फिनिशिंग जैसा आपको वर्क करना है।
दूसरा केस इंटीरियर का काम है, इंटीरियर को हमने अगेन इसको भी मैंने मान लीजिए दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, एक जगह मैंने बोला फर्नीचर वर्क और दूसरी जगह मैंने बोला फिनिशिंग वर्क। इन दो डबल डबल कैटेगरीज में हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली ये तो था मेरा प्रोजेक्ट, क्या था मेरा प्रोजेक्ट, मैंने उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले डिवाइड किया, तो इसको मैंने बोला WBS। W का मतलब होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मैंने प्रोजेक्ट को ब्रेकडाउन कर दिया दो पार्ट में, सबसे पहला डिवीजन क्रिएट हुआ, तो ये कहलाता है WBS लेवल वन। फर्दर मैंने उस WBS को फिर से ब्रेकडाउन किया दो पार्ट में, ये मेरे पास हो जाता है फिर से WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये कहलाता है WBS लेवल टू। यहाँ WBS तक आपने केवल उसका कैटेगराइजेशन किया है, आप ये नहीं बता सकते कि अभी इसे के यार लैंडस्केपिंग में 15 दिन में कर दूंगा, पेंटिंग में इतने दिन में कर दूंगा, जब तक आप टास्क डिफाइन ना करें, टास्क मतलब एक्टिविटी डिफाइन ना कर दें, जब तक आप ये ड्यूरेशंस नहीं बता सकते, स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने बोला यार सबसे पहले यहाँ देखें, अगर हम लैंडस्केपिंग का वर्क है उस वर्क को डिवाइड कर देते हैं, जो लैंडस्केपिंग का वर्क है उस वर्क को ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने बोला एक काम करो, लैंडस्केपिंग वर्क को करने का मतलब यह है कि मुझे सबसे पहला काम करना है एक्सकेवेशन, या एक काम करो रेनोवेशन, हमने बोला ना रेनोवेशन का काम है। तो मान लीजिए बाहर की साइड में कुछ टाइल्स लगी हुई थी, हमने बोला सबसे पहले करो रिमूव ओल्ड टाइल, रिमूव ओल्ड टाइल। सेकंड टास्क हमारे पास है लेवलिंग, जो भी भराव करना है या मिट्टी को उठाना है कम करना है, और उसके बाद होगा तीसरा काम, उसके बाद हम ले करेंगे न्यू टाइल्स को, फिर हमें वहाँ न्यू टाइल्स बिछानी है। ये तीन काम कंप्लीट होने का मतलब ये होगा कि लैंडस्केपिंग का काम कंप्लीट हो गया। जब हम WBS के टास्क डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या काम करने हैं, ये कहलाते हैं एक्टिविटी। क्या कहलाते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी की ड्यूरेशन होती है कि भैया रिमूव करने में मैंने बोला मुझे 3 दिन का टाइम लगेगा, लेवलिंग करने में मुझे 5 दिन का टाइम लगेगा, न्यू टाइल्स को ले करने में मुझे 8 दिन का टाइम लगेगा। फिर बताया जाएगा कि देखो जब तक मैं रिमूव नहीं करूँगा लेवलिंग तो नहीं कर सकता, यानी कि जब ये काम ख़त्म हो जाएगा इसके बाद ये काम शुरू होगा, जब लेवलिंग हो जाएगी इसके ख़त्म होने के बाद मैं न्यू टाइल्स को ले करूँगा, तो यानी कि पहले 3 दिन ये, उसके बाद 5 दिन ये, 8, उसके बाद 8 दिन ये, 16, तो पूरा काम ख़त्म होने में मेरा 16 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा पूरा काम? लैंडस्केपिंग का काम। इसी तरह पेंटिंग का भी कुछ ड्यूरेशन आ सकता है, फर्नीचर का भी कुछ ड्यूरेशन आ सकता है, और फिनिशिंग का भी कोई ड्यूरेशन आ सकता है। फिर डिपेंड करेगा ये दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं या नहीं, या मैं पहले वेट कर रहा हूँ लैंडस्केपिंग ख़त्म हो उसके बाद मैं पेंटिंग का काम करूँ। तो अगर ऐसा है तो 16 और 20 36, तो एक्सटीरियर का काम ख़त्म होने में 36 दिन लगेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं यार दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं, इधर फर्नीचर का उधर फिनिशिंग का, तो ओवरऑल ड्यूरेशन ज़्यादा इसकी है, तो बेसिकली इसका काम ख़त्म होने में टोटल 25 दिन का टाइम लगेगा। अगर ये दोनों काम, एक्सटीरियर वाला अलग टीम है, इंटीरियर की अलग टीम लग रही है, तो दोनों काम पैरेलल चल रहे होंगे, तो यानी कि ओवरऑल काम ज़्यादा ड्यूरेशन ये है, तो ओवरऑल मेरा प्रोजेक्ट 36 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पता कहाँ से चला? एक्टिविटी से WBS लेवल में, WBS लेवल से उसके टॉप लेवल पर, उससे प्रोजेक्ट के लेवल पर, इस तरह हमें हमारा ड्यूरेशन मिलता है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो समझना है वो ये समझना है, प्रोजेक्ट क्या होता है, WBS क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, बस इन तीन वर्ड को समझना। तीनों क्लियर हो गए? अब आपने बोला आपको टाइल्स को रिमूव करना है और टाइल को रिमूव करने में आपको 3 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ आपने ये सोचा होगा ना कि वो 3 दिन में आप किस तरह ख़त्म करेंगे, कितने मैन पावर आप यूज़ करेंगे,
कोई मशीनरी आप यूज़ करेंगे, कोई आप मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो मैन पावर होती है, मशीनरी होती है या मटेरियल होता है, इनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं इनको? रिसोर्सेज। अगर आपको ये चार टर्म्स समझ में आ गई कि प्रोजेक्ट क्या है, WBS क्या है, एक्टिविटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये चार टर्म समझना ज़रूरी है। ये चारों अगर क्लियर हैं तो हम अब कैलेंडर के टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? चलिए अब वापस चलते हैं कैलेंडर टाइप्स। कैलेंडर टाइप्स में मैंने आपको सबसे पहले कैटेगरी बताया ग्लोबल कैटेगरी। नाम क्या है? ग्लोबल। इसका मतलब यह है कि ये कैलेंडर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। वो प्रोजेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी एंटरप्राइज का हो, कितने भी प्रोजेक्ट्स हों, एक कैलेंडर वही मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ। एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को लेकर, कितनी भी एक्टिविटी हो, किसी भी प्रोजेक्ट की हो, आप इसको दे सकते हो। एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, एक्टिविटी के लिए भी यूज़ हो सकता है, रिसोर्सेज के लिए भी यूज़ हो सकता है, और एक नहीं मल्टीपल के लिए यूज़ हो सकता है। इसलिए बोला ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? हर जगह। तो ये कहीं भी यूज, जहाँ भी कैलेंडर का ऑप्शन हो, अगर आपने कोई कैलेंडर ग्लोबल कैटेगरी में बना रखा है तो वो कैलेंडर कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी रिसोर्स के लिए। बात क्लियर? सेकंड, आपके पास लिखा है रिसोर्स कैलेंडर। रिसोर्स कैलेंडर जैसे नाम से समझो, रिसोर्स कैलेंडर, तो इसका मतलब यह है दिस इज ओनली फॉर रिसोर्सेज। ना ये प्रोजेक्ट को यूज़ दे कर सकते आप, ना आप इसको किसी एक्टिविटी को दे सकते, दिस इज़ ओनली फॉर रिसोर्सेज। ठीक है। थर्ड नंबर आपके पास होता है प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट कैलेंडर की सबसे पहली लिमिटेशन, दिस इज फॉर सिंगल प्रोजेक्ट ओनली। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया जाएगा। मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, रेनोवेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो मैंने अगर ये प्रोजेक्ट उसके लिए बनाया तो ये कैलेंडर में केवल रेनोवेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट को ही दे सकता हूँ, किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं होगा। और इट्स एक्टिविटीज़, जो उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा। सेम प्रोजेक्ट जिसके लिए बनाया उसी की एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम प्रोजेक्ट के लिए कोई रिसोर्स बना रहे हैं, वहाँ ये यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। नाम है प्रोजेक्ट कैलेंडर, प्रोजेक्ट या उसकी एक्टिविटी में काम आ सकता है, उसके रिसोर्स में काम नहीं आएगा। सो दिस इज़ ओनली फॉर सिंगल प्रोजेक्ट एंड इट्स एक्टिविटीज। ये लिमिटेशंस होती है। ग्लोबल मतलब एनीवेयर, रिसोर्सेज ओनली फॉर रिसोर्स, प्रोजेक्ट कैलेंडर ओनली फॉर सिंगल प्रोजेक्ट एंड इट्स एक्टिविटी। ये दो लिमिटेशंस इसके पास है। अब देखो, यहाँ बात क्लियर हो गई एक बार में, यहाँ भी एक बार में बात क्लियर हो गई। यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, और कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि यार सॉफ्टवेयर को कैसे पता चले कि मैं जो प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाने जा रहा हूँ वो कौन से सिंगल प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ। भाई मेरे पास एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैं, सॉफ्टवेयर को ये कैसे समझ आएगा मैंने जो प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाया वो उनमें से कौन से प्रोजेक्ट का के लिए बनाया, क्योंकि वो तो एक ही प्रोजेक्ट को यूज़ हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चले। इसका मतलब यह है प्रोजेक्ट कैलेंडर तभी क्रिएट किया जा सकता है जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन हो, जब आपके पास
कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन होगा तभी आप प्रोजेक्ट कैलेंडर बना पाएंगे। तो जो जो प्रोजेक्ट ओपन होगा उसी के लिए बनेगा, इसी से समझ में आ जाएगा सॉफ्टवेयर को कि भैया करंटली जो भी प्रोजेक्ट ओपन है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कैलेंडर बना रहे हैं इसका मतलब वो प्रोजेक्ट कैलेंडर उसी ओपन प्रोजेक्ट के लिए बन रहा है। क्लियर? अब प्रोजेक्ट ओपन होगा उसके लिए कैलेंडर बना दें तो वो सिंपली उसी के लिए, वो सिंपली केवल उसी में बनेगा। अब बात करते हैं कि कैलेंडर का ऑप्शन होता कहाँ है। आप जाएंगे मेन्यू बार, मेन्यू बार के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कैलेंडर। ठीक, देखो प्राइमावेरा पर चलता हूं मैं लेकर के आपको। मेन्यू बार एंटरप्राइज कैलेंडर्स, मैंने क्लिक किया, ये रहा ग्लोबल, ये रहा रिसोर्स, ये रहा प्रोजेक्ट, ग्लोबल रिसोर्स प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि देखो प्रोजेक्ट ओपन है। अगर करंटली मैं प्रेस कर दूं कंट्रोल W, क्लोज कर दिया मैंने, अब कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। एंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर्स पर जाएंगे, यहाँ देखिए अब मैं प्रोजेक्ट कैलेंडर क्रिएट नहीं कर सकता, उसने डिसेबल कर दिया, क्योंकि उसको नहीं पता कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हैं। इसलिए अगर प्रोजेक्ट ओपन नहीं है तो आप प्रोजेक्ट कैलेंडर भी क्रिएट नहीं कर सकते। बात सही है? रीज़न क्लियर है आपको? चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर या रिसोर्स कैलेंडर या ग्लोबल कैलेंडर बनाते कैसे हैं, क्योंकि बनाने का तरीका सेम है, बस कैटेगरी में डिफरेंस है, उनके एप्लीकेशन में डिफरेंस है, लेकिन जो बनाने का पैटर्न है, जो तरीका है कैलेंडर को क्रिएट करने का, वो एकदम सेम होता है किसी भी केस में। कैसे बनाते हैं? उसके लिए पहले कुछ डाटा को समझते हैं कि डाटा हमारे पास क्या है। डाटा से मेरा मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैंने बोला कैलेंडर बनाना है, तो आप पूछेंगे कि भैया आपके वीक डेज कौन कौन से हैं, आपके वीक डेज कौन कौन से हैं। अगर हमने बोला हम हफ्ते में 5 दिन ही काम कर रहे हैं, तो मंडे टू फ्राइडे हमारे पास क्या हो गए, हमारे भी वर्किंग डे। अगर हम काम कर रहे हैं हफ्ते में 5 दिन, अगर हम बोला 6 दिन काम कर रहे हैं और संडे वीक ऑफ है, तो मतलब हमारे वर्किंग डेज कौन से हो जाएंगे, मंडे टू सैटरडे। अगर कंस्ट्रक्शन को देखें वहाँ तो 7 दिन ही काम होता है, कोई छुट्टी नहीं होती, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं मंडे टू संडे। बात सही आ गई? चलो यहाँ से एक एग्जांपल को पिक कर लेते हैं कि भैया हम 6 दिन वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक, अब बात ये आएगी, ठीक है आप हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हो मंडे से सैटरडे तक, लेकिन एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो? हमने बोला ठीक है काम करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भैया 10 घंटे पर डे हम काम कर रहे हैं। वो 10 घंटे कौन से हैं, किस टाइम से किस टाइम तक? मैंने बोला ठीक है काम करते हैं सुबह 9 बजे से, या 24 आवर्स का फॉर्मेट उठा लेते हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, फिर 1 से 2 लंच टाइम है, लंच टाइम है तो वो वर्किंग आवर्स में काउंट नहीं होगा। सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये होता है, वो टाइम जिस टाइम पर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दैट इज योर वर्किंग टाइम। अगर आपने कोई लंच ब्रेक लिया, कोई टी ब्रेक लिया आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो वो आपके वर्किंग आवर्स में काउंट नहीं होगा प्रोजेक्ट के वर्किंग आवर्स, क्योंकि उस टाइम पर आप प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है इसके बीच में 1 से 2 का लंच टाइम चल रहा है, ये ब्रेक है, तो काम शुरू होगा वापस से 2 बजे। अब मैंने बोला 2 बजे से मैं काम किस टाइम तक करूँगा, 10 घंटे लंच टाइम मिला दूँ तो 11 घंटे। अगर मैंने सुबह 9 बजे काम शुरू किया था, इसका मतलब यह है मैं रात के 8 बजे तक काम करूँगा, 6 घंटा लंच के बाद, 4 घंटा लंच से पहले, तो 6 और 4 10। क्लियर? ठीक है जी,
अगर आपसे पूछा जाए आप हफ्ते में कितना काम कर रहे हैं, हम 6 दिन काम कर रहे हैं, तो हमने बोला भैया हम काम कर रहे हैं 60 आवर्स पर डे पर वीक। कोई पूछेगा महीने में कितना काम कर रहे हैं, तो हम महीने में 26 दिन काम कर रहे हैं, 260 आवर्स पर मंथ। कोई पूछेगा आपसे आप ईयर में कितना काम कर रहे हैं, तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आपके माइंड में ये आ सकता है 260 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, या हम देख सकते मल्टीपल वीक्स के हिसाब से सोच सकते हैं। तो जनरली हम यही करते हैं 260 मल्टीप्लाई बाई 12, तो टोटल आ गया 3120। तो हम एक साल में 3120 आवर्स पर ईयर काम कर रहे हैं। ये डिटेल भी आ गई अपने पास, ये डिटेल भी आ गई, लंच टाइम और वर्किंग टाइम, वर्किंग डेज नॉन वर्किंग डेज भी आ गए। अब बचता है हमारे पास हॉलीडेज, जो गेजेटेड हॉलीडेज होते हैं उनमें साइट पर काम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें 26 जनवरी, हम बात करें 15 अगस्त, हम बात करें 2 अक्टूबर, हम बात करें 25 दिसंबर, ये डेट्स कभी बदलती नहीं है, स्टेटिक रहती हैं। तो मैंने इनके एग्जांपल दिए, या इसके अलावा कि कभी होली है, दिवाली है, ईद है, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएशन होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट 5 साल का है तो 5ों साल में अलग अलग डेट और मंथ हो सकता है आपके हॉलीडेज का बाकियों के, इसलिए मैंने यही 4 एग्जांपल लिए हैं फिलहाल। या जितने भी हॉलीडेज हैं आप वो मेंशन कर सकते हो। ये तो हमने मैनुअली समझा, अभी ये सारी इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर पे हम कैसे करते हैं ये हमें समझना है। एग्जांपल ये रहेगा हमारे पास जो है, ठीक है जी बात। चलिए जी प्राइमावेरा पर चलते हैं, एंटरप्राइज टैब में आते हैं। एंटरप्राइज टैब में होता है कैलेंडर का ऑप्शन, मैंने क्लिक कर दिया। ग्लोबल बनाए, रिसोर्स बनाए, प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। मैंने बोला एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ही पहले ओपन कर देते हैं, एंटरप्राइज कैलेंडर, अब आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो आप प्रोजेक्ट में रह के भी ऐड पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे वो पूछेगा किस कैलेंडर को डुप्लीकेट करूँ, ये कैलेंडर कहाँ है, ग्लोबल में। आपको अगर रिसोर्स में बनाना है आप यहाँ आते हैं ऐड करते हैं, वो फिर से दिखा रहा है ऐड करने के लिए, कहाँ से, ग्लोबल से। अगर मैं ग्लोबल में हूँ यहाँ ऐड पर क्लिक करता हूँ वो फिर से मुझे दिखा रहा है। तो मतलब तीनों में से किसी भी कैटेगरी का कैलेंडर बनाना हो प्रोसीजर सेम होता है, बस कैटेगरी अलग अलग है क्योंकि कैटेगरी की लिमिटेशंस अपनी अलग है, क्लियर। तो ग्लोबल की ही बात करते हैं, मैंने मान लीजिए ग्लोबल को सेलेक्ट किया, ग्लोबल पे सेट करके मैंने यहाँ से ऐड पर क्लिक किया, उसने कुछ सैंपल खोला, जब मुझे मॉडिफाई ही करना है तो मैं तो किसी भी कैलेंडर को सेलेक्ट कर लूँ, बाद में तो एट द एंड मॉडिफाई ही करना है। मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, पहला ही जो सिलेक्शन आया ऐड कर दिया। ऐड पे क्लिक करते ही वो पूछ रहा है न्यू कैलेंडर बताइए, मैंने बोला ठीक है मेरे कैलेंडर का नाम है रेनो, क्योंकि रेनोवेशन के लिए मैं बना रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आपने अभी क्या किया, एक कैलेंडर को डुप्लीकेट किया, उसको रीनेम किया, दैट्स ऑल, अभी तक इतना काम किया है। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको सेलेक्ट रखें, मॉडिफाई का ऑप्शन ये रहा, मॉडिफाई पर आपने क्लिक किया, ये मॉडिफाई टैब ओपन हो गया। जब आप मॉडिफाई टैब ओपन करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक जगह है टोटल वर्क आवर्स पर डे, एक जगह है डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे। जैसे मैंने बोला मैं काम कर रहा हूँ 10 घंटा डेली, तो वो मेरे टोटल वर्क आवर्स हैं। अगर मैं बोलूँ मैं काम कर रहा हूँ सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, फिर 2 बजे से रात के 8 बजे तक, वो मेरे डिटेल्ड वर्क आवर्स हैं। फ़र्क समझ आया ना, टोटल वर्क आवर्स पर डे पर रहेंगे, यहाँ रहते हुए आपको नीचे वर्क वीक का ऑप्शन मिलेगा, वर्क वीक पर आप क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो गया। अब मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ मंडे टू सैटरडे, तो मैंने मंडे टू सैटरडे 10-10 घंटे मेंशन कर दिए क्योंकि मैं हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा हूँ। अगर 5 दिन कर रहा होता तो सैटरडे संडे 0 हो जाता, अगर 7ों दिन काम करूँगा तो 7ों दिन 10-10 घंटे काम हो जाएगा, समझ गए। अब मैं 6 दिन काम कर रहा हूँ, मैंने संडे को 0 किया, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ देखो संडे अलग ही कलर से हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये संडे आपका वीक ऑफ है, इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं डिटेल्ड वर्किंग आवर्स में, डिटेल्ड वर्क आवर्स में जाकर फिर से वर्क वीक पर ही आएंगे। आगे
इस बार वर्क वीक थोड़ा अलग नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने वर्किंग डे सेलेक्ट करिए। मेरे वर्किंग डे कौन से हैं? मंडे टू सैटरडे, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में ये जो सेल नज़र आ रहे हैं, सारे सेल्स को सेलेक्ट करके फिलहाल नॉन वर्क कर दो, जिससे सब रिसेट हो जाए। आप ध्यान दें, एक रो के अंदर दो सेल है, एक रो में दो सेल है, एक सेल 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक रो 1 आवर को रिप्रेजेंट करती है। अगर कहीं 7 लिखा है, 7 के बाद का टाइम शुरू होगा यहाँ, 7 से 7:30, 7:30 से 8, तो 7 के सामने 7 से 8, 6 के सामने 6 से 7। मैनेजर, मुझे काम शुरू करना है सुबह के 9 बजे से, कहाँ दोपहर के 1 बजे तक, तो 12 के सामने वाली रो में 12 से 1 बजता है, तो मैं 1 बजे वाली रो में नहीं आऊँगा, 12 से 12:30, 12:30 से 1, ये 4 रो सेलेक्ट हुई, 4 घंटे लंच से पहले काम हो गया, वर्क कर दिया। फिर 1 से 2, 13 के सामने वाला छोड़ दिया क्योंकि नॉन वर्किंग है, काम नहीं होगा। अब 2 बजे से काम शुरू किया रात के 8 बजे तक, तो 7 से 8 वाली रो तक आप गिन, आपको कन्फ्यूज़न अगर हो काउंट कर लो, 1 2 3 4, फिर ब्रेक आ गया, 5 6 7 8 9 10, 10 आवर्स हो गए क्योंकि 10 रो हैं, एक रो हाँ जो वाइट है वो वर्क वाला हो गया। येलो सिलेक्शन दिखाता है, वो वाइट या उससे नहीं है, जहाँ भी कहीं कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट होगा, तो येलो से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वाइट हो गया वर्किंग। अगर मैं खाली संडे को सेलेक्ट करूँ तो देखो ये तो पूरा नॉन वर्किंग है क्योंकि ये मेरा वीक ऑफ है, तो मेरा सैटरडे से मंडे तक का सेटिंग सबका सेम हो गया। अब मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक। उसके बाद चलते हैं नीचे टाइम पीरियड, एक दिन में 10 घंटा काम हो रहा है, एक हफ्ते में 60 घंटा काम हो रहा है, एक महीने में 260, एक साल में 3120, जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी, मैंने वही कैलकुलेशन यहाँ रख दी है। ऑटोमेटिकली होता है? नहीं होता है, आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। हो गई जी चारों वैल्यूज। अब बात आती है हॉलीडेज, इसे ओके कर दीजिए। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, नेक्स्ट चल ये 2 अक्टूबर यहीं कर देते हैं, 2 अक्टूबर को सेलेक्ट किया, एक स्पेसिफिक डेट को सेलेक्ट किया नॉन वर्क। अगेन मैं चला दिसंबर में, 25 दिसंबर को सेलेक्ट किया नॉन वर्क। मैं गया जनवरी 2024 में, 26 को सेलेक्ट किया नॉन वर्क। पंद्रह अगस्त को सेलेक्ट किया नॉन वर्क, 2 अक्टूबर को सेलेक्ट किया नॉन वर्क, 25 दिसंबर को सेलेक्ट किया नॉन वर्क। तो अगर प्रोजेक्ट 4 साल का है तो हर ईयर के मंथ पे जाकर उस डेट को सेलेक्ट करके ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि नॉन वर्क डिफाइन करना पड़ेगा। क्या हमने 30 डेज स्टैंडर्ड लिया ना बेटा, किसी मंथ में 31 दिन भी होते हैं, किसी महीने में 28 दिन भी होते हैं, वो वाइंड अप कर लेगा, उसकी उतनी टेंशन नहीं है। हमें एक जनरल हमेशा कैलकुलेशन, सैलरी की कैलकुलेशन सारी स्टैंडर्ड 30 डेज के अकॉर्डिंग ही होती हैं हर जगह, ठीक है। तो हमने इसलिए उसको कैलकुलेशन को सेम रखा है, और ये मैक्सिमम टाइम है। हम महीने में 260 घंटे ले रहे हैं, अगर महीने में कोई वीक ऑफ आ गया तो 10 घंटे हमारे पास कम हो गए, लेकिन हो सकता है साइट पे महीने में 10 घंटे के ओवर टाइम नहीं होता काम, तो वो वहाँ एडजस्टमेंट हो जाता है। हॉलीडेज मेंशन हो गए, हॉलीडेज भी मेंशन हो गए। अब आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया, आपने इसे ओके कर दिया, आपका कैलेंडर बन गया रेनो के नाम से, इसे क्लोज कर दीजिए। अब ये कैलेंडर मान लीजिए आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया, आप प्रोजेक्ट वाले पेज पर जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे डिफॉल्ट टैब में जाएंगे, यहाँ आपको वो कैलेंडर असाइन करना है, यहाँ से ब्राउज किया, ब्राउज में जाके देखा ये रहा कैलेंडर, सेलेक्ट कर दिया, आपका कैलेंडर यहाँ आ गया। जैसे ही आप कैलेंडर असाइन करेंगे उसके बाद आप उसे एक बार रिफ्रेश कर देंगे F5। इस तरीके से आप एक कैलेंडर बना सकते हैं और वो कैलेंडर अपने प्रोजेक्ट को असाइन कर सकते हैं। सैंपल आप ले सकते हैं, पहले कॉपी पे डिटेल बना लेना कि आप वीक में कितने दिन काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कौन सा वीक ऑफ होगा, कौन कौन से हॉलीडेज होंगे, फिर उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर पे काम करना है।
ठीक है। आज आपने सीखा कैलेंडर्स के बारे में, टाइप्स और उसका इंट्रोडक्शन। एक चीज यहाँ लिखी है टाइम स्केल। टाइम स्केल होता है बेसिकली, आप ऊपर देखो यहाँ मंथ लिख रहे हैं ना, नवंबर दिसंबर, तो नीचे चार कॉलम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है मंथ पर वीक, ठीक है, मतलब ये आपका टाइम स्केल कहलाता है। अगर आप किसी भी पेज पर जाके देखो, ये यहाँ आ गया क्वार्टर पर मंथ, क्योंकि एक क्वार्टर में तीन महीने होते हैं, तो यहाँ एक्टिविटी वाले पेज पे आपका जो टाइम स्केल है वो क्वार्टर पर मंथ के हिसाब से है। मान लो प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, कोई एक प्रोजेक्ट है 30 दिन का, 45 दिन का, तो उसको क्या हम महीने के हिसाब से ट्रैक करें? प्रोजेक्ट ही 45 दिन का, तो उसको हम वीकली ट्रैक कर सकते हैं या डेली ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे छोटा टाइम स्केल होता है वीक पर डे, उससे बड़ा हो सकता है मंथ पर वीक, फिर हो सकता है क्वार्टर पर मंथ, फिर हो सकता है ईयर पर क्वार्टर। ये ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। चेंज ईयर से करेंगे सर, समझ आया टाइम स्केल कहते किसे हैं? अब बात करते हैं, मान लीजिए टाइम स्केल चेंज करना पड़ रहा है आपको, तो आप ये जो ग्रैंड चार्ट नज़र आता है, इसे खाली है अभी तो, क्योंकि कोई काम तो किया नहीं है। आप कहीं पर भी रहते हैं तो देखो, यहाँ आप उसकी आदत ना डाल के आप यहाँ ऊपर की तरफ देखो, यहाँ एक ऑप्शन होता है, ये दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिख सकता है, व्यू शो ऑन टॉप, यहाँ नहीं दिया उन्होंने, एक डेढ़ बजे, एक बीस को होगी इसमें, बस ये बता, ये लास्ट है हमारा। मैं यहाँ भी राइट क्लिक कर सकता हूँ, टाइम स्केल आ जाएगा, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम स्केल पे क्लिक करोगे, ये लिखा है क्वार्टर पर मंथ, डेट इंटरवल। मैंने यहाँ जाके अगर मंथ पर वीक सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया, तो पीछे देखो मंथ पर वीक में चेंज हो गया। अगर मैंने यहाँ वीक पर डे किया, अप्लाई किया, तो वो वीक पर डे आ गया। अगर मैंने यहाँ जा कर के वापस से क्वार्टर ईयर पर मंथ किया, अप्लाई किया, तो वो ईयर पर मंथ आ गया। तो ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं टाइम स्केल चेंज करने के लिए। ये टाइम स्केल काम आएगा अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 5 साल का, तो वहाँ हमें टाइम स्केल बदलना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो जाए, हमें पर डे में भी डिवाइड करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के टेन्योर पर, कि आपको टाइम स्केल क्या रखना है, बड़ा रखना है या छोटा रखना है, ठीक है। यहाँ हमारा जो सेशन वन है ये कंप्लीट हो जाता है, सेशन वन। यहाँ पर हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे, आगे हम लोग मंडे से रिज्यूम करेंगे।